This is Rohit Kadriyan, I'm back with another video. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, बिल्कुल फ्री है। तो आज मैं आप लोगों को वो 5 सप्लीमेंट्स बताऊंगा जो आपके मसल ग्रोथ और बॉडी बिल्डिंग गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो सप्लीमेंट्स पे, तो आपके लिए 5 सप्लीमेंट्स बेस्ट ऑप्शन है। और जो लोग ये सोचते हैं कि खाली सप्लीमेंट्स खाने से उनकी बॉडी बन जाएगी, तो बस ये उनका वहम है और ये एक ड्रीम ही रह जाएगा। आपको एक न्यूट्रिशन जरूरी है प्रॉपर, आपको एक प्रॉपर वर्कआउट जरूरी है, आपको प्रॉपर रेस्ट जरूरी है। उसके बाद हम एडिशनल में अपने सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं, वो भी अपना लेवल बढ़ाने के लिए। अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, आपका वर्कआउट अच्छा नहीं है, आपके रेस्ट अच्छा नहीं है, एक भी इन तीनों में से अच्छा नहीं है, तो आपकी बॉडी बनना नामुमकिन है। मैं बताने जा रहा हूँ वो 5 सप्लीमेंट जो आपके बॉडी बिल्डिंग गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। जो मैं आपको ये रिव्यू दे रहा हूँ 5 सप्लीमेंट्स का, ये मेरी यूज के बाद है। मैंने बहुत सारे सप्लीमेंट यूज किए हैं, कोई अच्छा था, कोई गंदा था, कोई बहुत अच्छा था, कोई बहुत गंदा था। तो मैं चाहता हूँ कि आपका पैसा खराब ना हो, आप बेस्ट से बेस्ट सप्लीमेंट जो है वो खरीद सके। तो मेरे लिए जो इस दुनिया का सबसे नंबर वन सप्लीमेंट है वो है क्रिएटिन। क्रिएटिन मेरे लिए इस दुनिया का सबसे अच्छा सप्लीमेंट क्यों है? क्योंकि हमारी ये मसल साइज बढ़ाता है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, हमारे जिम में परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, हमारा जो स्टेमिना वो इंक्रीज हो जाता है। और सबसे अच्छी बात है, इसको कोई भी खरीद सकता है। ये बस 1000 रुपये के में, 1000 रुपये के अंदर अंदर अवेलेबल है, कोई भी खरीद सकता है, बहुत चीप है, 2 महीने तक चल जाता है और इसके रिजल्ट बेस्ट है। ये एक लोता सप्लीमेंट है जिसके मैंने खुद रिजल्ट देखे हैं। सप्लीमेंट यूज करते हैं, रिजल्ट आते रहते हैं थोड़े थोड़े, हमारी जो बॉडी है थोड़ी और अच्छी हो जाती है, बट पता नहीं चलता। बट इस सप्लीमेंट को यूज करने के बाद इसके रिजल्ट आप खुद ही देख सकते हैं। तो ये थी मेरी फर्स्ट पिक जो बेस्ट सप्लीमेंट की थी। दूसरा सप्लीमेंट है वो है प्रोटीन। पहले ही बता दूं, मैं आप कोई भी ब्रांड ले सकते हो, वे प्रोटीन ले, कोई क्रिएटिन ले, कोई भी ब्रांड ले सकते हो, बस यूएसए का हो, अमेरिका बेस्ड हो। इंडियन बेस्ड प्रोटीन क्यों खराब है, इंडियन बेस्ड सप्लीमेंट क्यों खराब है? क्योंकि वो जो इंटरनेशनल मार्केट में है वो सर्टिफाइड नहीं कर पाते हैं। तो आप इंडियन बेस्ड प्रोटीन ना ले, कोई भी सप्लीमेंट ना ले। तो दूसरा सप्लीमेंट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। हमारी मसल को बिल्ड करने के लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या होती है, वो है प्रोटीन। और जो लोग पूछते हैं कि हम वेजिटेरियन हैं, हम क्या खाएं, हम प्रोटीन कहाँ से कंज्यूम करें, उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। एक बार इन्वेस्ट होती है मनी, 5-6 हज़ार रुपये अच्छे प्रोटीन में इन्वेस्ट होते हैं, बट आपका 2 महीने तक आपका प्रोटीन का कोटा थोड़ा बहुत तो ये पूरा कर ही देगा। इसमें 30 ग्राम प्रोटीन है और ये हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है जिसकी डाइजेस्टेबल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो ये था मेरा सेकंड सप्लीमेंट। और जो प्रोटीन है हमारी मसल के लिए, मसल डेवलपमेंट के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। आप वे प्रोटीन ले, कोई भी ब्रांड ले सकते हो, ऑन मसल फॉर्म, कोई भी BPI, कोई भी ले सकते हो। तो ये था सप्लीमेंट नंबर सेकेंड। तो जो तीसरा सप्लीमेंट है मेरे लिए बेस्ट, वो है BCAA, ब्रांच चेन अमीनो एसिड। ये सबसे अच्छा सप्लीमेंट है। इसमें 3 अमीनो एसिड्स होते हैं मेनली, लूसीन, आइसोलूसीन, वैलीन। और इनका काम क्या होता है, हमारी मसल को ब्रेक डाउन ना होने देना, टूटने ना देना, हमारी जो मसल रिकवरी होती है जिम के बाद उसको अच्छा करना, हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाना। और ये सप्लीमेंट बेसिकली जिम करते वक्त यूज़ किया जाता है। आप जिम करने से पहले इसको ले, आपका अगर पाउडर फॉर्म में है तो एक एक सिप पीते रहे हर एक्सरसाइज के बाद। तो मेरे लिए थर्ड पिक है जो बेस्ट सप्लीमेंट है। और इसका प्राइस ऑलमोस्ट 2000 से 2500 के अंदर अंदर होता है। और जो मेरे लिए फोर्थ सप्लीमेंट है, बेस्ट सप्लीमेंट, वो है फिश ऑयल। फिश ऑयल बेस्ट क्यों है? फिश ऑयल में होता क्या है, ओमेगा 3 हमारे क्या करता है, हमारी प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है, हमारी प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है, हमारे जो जॉइंट्स हैं उनमें पेन नहीं होने देता है, और जो हमारी हेयर ग्रोथ है उसको अच्छा करता है, हमारी स्किन को अच्छा करता है। और ये सप्लीमेंट हमारी ऑल ओवर बॉडी के लिए बहुत 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 हेल्पफुल है। हमारे हार्ट को हेल्दी करता है क्योंकि हमें हेल्दी फैटी एसिड चाहिए, ओमेगा 3 में होते हैं और ये फिश ऑयल यही काम करता है। तो मेरे लिए ये फोर्थ सप्लीमेंट है जो मसल बिल्डिंग और बॉडी बिल्डिंग के लिए बेस्ट है। जो मेरे लिए आखिरी सप्लीमेंट और 5वां सप्लीमेंट है वो है मल्टी विटामिन। बॉडी बिल्डिंग में अक्सर देखा जाता है कि लोग
मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बन, फैट, वो उन्हें लेते जाते हैं, और वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उन्हें लेना भूल जाते हैं, या जो हमारा फूड होता है उनमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जो मल्टीविटामिन है ये हमारे हेल्दी रहने के लिए बहुत हेल्दी है। हेल्दी हम रहेंगे तो ही हम अच्छी एक्सरसाइज कर पाएंगे, और इसमें विटामिन ए होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है, जिंक होता है, कैल्शियम होता है, बायोटीन होता है, B12 होता है, और तो इस सप्लीमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारी ऑल ओवर हेल्दी रहने के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। हमारा इम्यून सिस्टम हेल्दी रहेगा, हम फिट रहेंगे तो ही एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो ये सप्लीमेंट मेरे लिए बहुत 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 ज़रूरी है। मल्टीविटामिन तो मैंने 5 सप्लीमेंट बता दिए हैं जो बॉडी बिल्डिंग ग्रोथ के लिए और मसल ग्रोथ के लिए बहुत 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 अच्छे ऑप्शन है। जो पहला सप्लीमेंट था वो था आपका क्रिएटिन, दूसरा था आपका प्रोटीन, तीसरा था आपका BCAA, फोर्थ था आपका फिश ऑयल, और लास्ट था आपका मल्टीविटामिन। तो ये थे मेरे 5 सप्लीमेंट्स जो मैंने अब तक यूज़ किए हैं और इनका बेस्ट रिजल्ट है। अगर आप मनी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए मैंने बता दिया ये बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, नीचे जाना है, 1 सेकंड लगनी है, लाल कलर का बटन है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करना है, सब्सक्राइब हो जाएगा बस। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट में बताएं, आपकी कोई इस वीडियो से रिलेटेड आपकी क्वेरी है तो कमेंट में बताएं, आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में बताएं वीडियो से रिलेटेड, और आप मेरे को बता सकते हैं कि वीडियो अच्छी थी, गंदी थी, जैसी भी थी बताना ज़रूर है, और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।